तो स्पैमर्स जिस तरीके से क्लास में घुसते हैं ना, उसी तरीके से मेरे जिंदगी में हर सर घुसे थे। मैं आपको अब बताता हूँ क्या हुआ था। हम लोग 2016 के आसपास कभी एक बार मिले थे, हम दोनों एक कॉमन कोचिंग में पढ़ाते थे, ठीक है। तो कोचिंग में मिले तो ये केमिस्ट्री का क्लास यहाँ कहीं हो रहा था, तो ये जोर जोर से पढ़ा रहा है, मैं यहाँ पे फिजिक्स की क्लास है तो मैं जोर जोर से पढ़ा रहा हूँ। मैं कहूँ कौन आ गया भाई तुम्हारे भाई को टक्कर देने के लिए, ठीक है। तो वो तेज तेज पढ़ा रहा है, मैं तेज तेज पढ़ा रहा हूँ, सारे बच्चों के कान से खून निकल रहा है, हमें उससे फर्क नहीं है, बच्चा बहरा होके निकले आज, हमें दा हमारी आवाज गूंजनी चाहिए। तो क्या हुआ कि क्लास खत्म हुई, बच्चे तो बहरे वो लेटे पड़े वहां पर, ठीक है। हम दोनों गए खाना खाने के लिए, बैठ गए टीचर टेबल पर, तो हर सर यहाँ बैठे हुए, ठीक है, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ। दोनों की ईगो हर्ट हो रखी है कि दोनों तेज तेज पढ़ा रहे थे, किसने तेज पढ़ाया ज्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन फिर ऐसी हुई है कि कुछ काम के चक्कर में हम दोनों की बात स्टार्ट हो गई, तो बस मैं यहां से अपनी बाइक वाइक से अपने घर गया, तो फोन आ गया भाई, फोन नंबर ले लिया, फोन आ गया घर पे, ठीक है। और भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी तो बात हुई और ये तो इतना बड़ा भाई बन गया मेरा है। मैंने कहा भाई सब सही चल रहा। कह रहा चलो जिम चलते हैं। उसने देख लिया हम जिम करते हैं तो वो भी जिम, तो दोनों ने जिम ज्वाइन कर लिया और दोस्ती यारी बढ़नी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब था क्या कि हर्ष किसी और के साथ रहता था, ठीक है। जैसे मान लो मेरा ये घर है, ठीक है, हम रहते थे अपने एक फ्रेंड के साथ, ये एंट्री गेट, चलो गेट वो बता देता हूँ, इस टाइप से एक रूम था, ये मेरे फ्रेंड का रूम था, ठीक है, ये मेरे फ्रेंड का रूम था, यहाँ वॉशरूम था, यहाँ पर किचन था, यहाँ पर मेरा रूम था, और ये बीच में हमारे पास ऐसे खाली एरिया था, ठीक है। तो मेरा जो फ्रेंड था सुकौशल वो इधर रहता था, मैं इस रूम में, ओ किचन कह रहा हूँ, किचन यहाँ था और मेरा रूम यहाँ था, ठीक है, मैं किचन में नहीं सोता था भाई, ठीक है, तो मेरा रूम यहाँ था। और हमारे पास एक खाली फोल्डिंग टाइप से थी, तो मैंने बाहर फोल्डिंग बिछा रखी थी कि कोई दोस्त वोस्त आ जाए तो सो जाएगा। अब हुआ क्या, ऐसी एक दो महीने दोस्ती यारी में कोचिंग में मिलते थे, बतियाते थे, एक दिन वो घर आ गया, ध्यान से देखना, घर आ गया, कह रहा और भाई क्या बनाया खाने के बाद, खाने में मैंने कहा यार जिम का है तो प्रोटीन पियेंगे और थोड़ा बहुत चिकन विकन खा लेंगे। तो भाई खाना वाना बना के खिला दिया उसने, हमने कहा यार ये तो बड़ा सही बंदा यार, हमारे घर आया, हमारे को हमारा ही खाना बना के हमें खिला के चला गया। अब मैं और सुकौशल जो मेरा फ्रेंड था हम कह रहे यार ये बंदा बहुत सही है, नेचर बहुत अच्छा, बताओ यार। दो तीन बार उसने ऐसे ही किया हमारे साथ, ठीक है, तो हम पिघलने लग गए, हमने कहा यार ये बंदा तो सही है। फिर क्या हुआ, पबजी के बहाने एक दिन रात को आया, कहे चलो यार पबजी खेलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आके पबजी हम लोगों ने खेला, बहुत सारा खेला। हम लोगों को ये बात पता नहीं लगी कि वो धीरे 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 घर में अपना सामान ला रहा था, ठीक है। एक दिन आया तो अपना लैपटॉप ले आया, कह रहा यार मेरे को काम भी है, मैंने कहा कर ले भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो लैपटॉप यहीं पे छोड़ के चला गया। फिर अगले दिन आया तो अपना बैग ले आया, कह रहा यार मेरे को ड्राई क्लीनिंग्स के लिए कपड़े देने हैं, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अपना ड्राई क्लीनिंग का कपड़ा रख। फिर अगले दिन आया, कह रहा यार मेरा गद्दा ना ये सही नहीं है, इसमें मेरी रुई भरवानी है, तो यहाँ पर आके अपना गद्दा भी बिछा लिया, ठीक है। धीरे धीरे एक हफ्ते के अंदर अंदर हम देख रहे हैं हमारे घर में सामान बढ़ता जा रहा है। तो कौशल रोज उठ के कह रहा भाई ये किसका है, ये जूता किसका है, ये तो तेरा नहीं है, मैंने कहा मेरा भी नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा था ये हो क्या रहा है। फिर भाई साहब धीरे धीरे उसने जो रंग दिखाया, तो मेरा रूम था, मैं एक दिन यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो उसको फोन आया घर पे से, तो बात कर रहा है, तो ये रूम में चला गया, ठीक है। तो मेरे को लगा ठीक है थोड़े से रूम में बैठ के बात बात कर रहा होगा, तो मेरे घर से मेरा फोन आया, तो मैंने भी अपने घर पे बात करनी स्टार्ट करी, तो मेरे को कह रहा आवाज नीचे, मैंने कहा भाई मेरा घर है ये, ठीक है, तू मेरे को ही कह रहा आवाज नीचे। और ये सिलसिला फिर अगले एक हफ्ते तक उसने कंटिन्यू रखा। अब क्या था कि बात बात फोन पे चल रही है, तो हम बाहर ही बैठे बैठे सो जाते थे यार, जिम से आए थके हुए हम यहाँ सो रहे हैं, वो अंदर सो रहा है हमारे रूम में। एक दिन क्या हुआ, हमें अपना कोई पर्सनल काम था कि भाई कि हम अटैची निकालें, अपने डॉक्यूमेंट्स निकालें और यहाँ पे इधर अप्लाई करें गवर्नमेंट का, जब हम जॉब वॉब का कर रहे हैं, तो भाई साहब गेट बंद कर रखा है, मैं नॉक कर रहा हूं अपने घर में, भाई हर्ष मेरे को ना डॉक्यूमेंट चाहिए, कह रहा 5 मिनट बाद आना, मैं कह रहा भाई हर्ष यार डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे को अप्लाई करना है, कह रहा भाई देखो यार मेरी ना प्राइवेसी बहुत डिस्टर्ब हो रही है यहाँ पर, मैंने कहा भाई साहब ऐसा कंटाप मारूंगा ना, ऐसा कंटाप मारूंगा, तेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, मेरे घर में मैं बाहर फोल्डिंग में सो रहा हूँ, तू मेरे रूम में कुंडी लगा के बैठा है, अपना आराम से काम कर रहा है एसी में, मैं बाहर गर्मी में पंखे में बैठा हूँ, तेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये हर सर ऐसे आए थे हमारे साथ,
और फिर क्या हुआ, सुकौशल से लड़ाई हो गई। ठीक है, सुकौशल कह रहा मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, तो कह रहा तो रहना, तुम्हें रोक कौन रहा है, तुम जाओ। सुकौशल घर छोड़ के चला गया, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, सुकौशल घर छोड़ के चला गया, उसके रूम में अपना सामान सेट करके आराम से बैठा, कह रहा भाई चल भगा दिया मैंने उसको। तो उस तरीके से उसके बाद 4-5 साल हो गए, अभी तक वो घर छोड़ के गया नहीं। ऐसी पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मेरे को सीखने को मिली और मैं चाहता हूं कि वो आप भी सीखें। ठीक है, वी एज अ ह्यूमन, हम लोग हमेशा